हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन द फिश ट्रेडर। आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। वेल, काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। सीजन शुरू होने के बाद ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। वेल, काफ़ी ऑक्यूपाइड थे, काफ़ी बिजी थे हम लोग पिछले दो महीनों से। काफ़ी सारे इंटरनेशनल शिपमेंट हुए, जिसका वीडियो मैं अभी मैं आगे डालूंगा, तो आप लोग ज़रा देखिएगा, अपना एक्सपीरियंस लीजिएगा। वेल, फिलहाल दोस्तों अभी हम जो कंसाइनमेंट करेंगे वो तो आपने टाइटल देख के समझ चुके होंगे। अभी जो हम लोग कंसाइनमेंट करेंगे वो दुबई का कंसाइनमेंट है, वाया दुबई ये मटेरियल सऊदी अरबिया जाएगा। एंड जैसे कि आप देख सकते हो, पॉम्फ्रेट का कलेक्शन हो रहा है और पॉम्फ्रेट का ही शिपमेंट हमारा चल रहा था इस वक्त में, और काफ़ी सारे पॉम्फ्रेट्स हमारे कलेक्शन हुए थे इंडिया के काफ़ी कोने कोने से। अब बोल सकते हो बॉम्बे से कलेक्शन हुआ, गुजरात से कलेक्शन हुआ, हमारा वेस्ट बंगाल से कलेक्शन हुआ, उड़ीसा से कलेक्शन हुआ, काफ़ी लोकेशन से हमारा कलेक्शन हुआ। तो गाइज, आप लोग चाहे कोई भी आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सोर्सिंग द मटेरियल। जहाँ से आप मटेरियल खरीदोगे या फिर जहाँ से आपका सप्लाई आ रहा है, तो दोस्तों सप्लाई का चैनल आपका जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो दोस्तों हमेशा ये ध्यान रख के आप सामान एक्सपोर्टिंग का सोचिए। आप जो भी फील्ड में मतलब काम करोगे उसमें आपका चैनल तगड़ा होना चाहिए। दोस्तों सप्लायर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, देन आपको ये समझ लेना है कि सप्लायर के साथ एक स्ट्रांग एग्रीमेंट बना लो, ठीक है, ताकि सप्लायर कुछ भी प्रोडक्ट डिफॉल्ट ना कर पाए। अच्छे सप्लायर के साथ काम करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपके सप्लायर ही आपको जो प्रोडक्ट देंगे वो आगे का मार्केट में रेट लेगा। कम से कम रेट में परचेस करने का ट्राई करो दोस्तों, याद रखो, क्योंकि एक्सपोर्ट में जो आपका कंपटीशन होगा वो डायरेक्ट आपका दूसरा कंट्री से होगा। जैसे हमारा कॉम्पिटिटिव कंट्री पाकिस्तान, ईरान, श्रीलंका, एक मार्केट में इन सारे कंट्रीज से मटेरियल जाते, तो फिर ये हमें याद रखना है कि हमें इंडिया से बेस्ट टू बेस्ट रेट में माल लेना है, मटेरियल खरीदना है। साथ ही साथ हमारा कंपटीशन अपने इंडियन एक्सपोर्टर्स भी है। तो दोस्तों ये ध्यान में रखते हुए एक सप्लायर एग्रीमेंट बना के आप सप्लायर के साथ काम कर सकते हो। दोस्तों स्टार्टिंग में तो आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने मटेरियल ऑक्शन में खरीदा था। अभी वो ऑक्शन में तरह तरह के ग्रेडिंग आते हैं, जैसे हमारे 150 ग्राम के पॉम्फ्रेट आते हैं, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300, 400, 500 ग्राम के पॉम्फ्रेट आते हैं। आप ये देखिए, ये जो मटेरियल है ये सारे 300 ग्राम के नीचे पॉम्फ्रेट है, 200, 250, 150 ग्राम के पॉम्फ्रेट। दोस्तों ये बात आप ध्यान में रखो कि हर एक सामान एक्सपोर्ट से एक्सपोर्टिंग अलाउ नहीं है। जैसे 300 ग्राम के नीचे पॉम्फ्रेट हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वो अनऑथराइज्ड है। तो इन दैट सिनेरियो हम लोग जो ये मटेरियल है, ये मटेरियल हम लोग लोकल मार्केट में बेचे थे। जैसे आप देख सकते हो, ये हमारे बायर मटेरियल डायरेक्ट ग्रेडिंग करके ले रहे। तो जब भी आप सामान परचेस करोगे, आपका जो मटेरियल होगा वो डिफरेंट साइजेस के होगा, वो डिफरेंट साइजेस का मटेरियल आपको मार्केट वाइज निकालना पड़ेगा। जो भी सूटेबल साइज होगा पर्टिकुलर मार्केट के लिए, उसी मार्केट में आप वो मटेरियल को भेजो। जैसे हमारे ये बॉम्बे में हमारे 200-300 ग्राम के जो साइज के पॉम्फ्रेट्स होते हैं वो अच्छा रेट लाते हैं, 150-200-300, तो हम लोगों ने वहां पे भेजा था। तो उससे भी छोटे साइज के पॉम्फ्रेट्स थे वो हम कहीं दूसरे जगह भेजे, और जो 300 आपका मटेरियल है वो हमारा एक्सपोर्ट क्वालिटी मटेरियल है, वो हमारा एक्सपोर्ट होता है। तो दोस्तों जैसे आप लोग देख पा रहे हो, अभी हम लोग अपने फैक्ट्री में हैं, जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट का काम चल रहा है। दोस्तों इसके लिए आप देख सकते हो प्रॉपर हाइजीन, क्लीनलीनेस कितना ज़्यादा मेंटेन किया गया है। सारे हमारे स्टाफ्स प्रॉपर यूनिफॉर्म, प्रॉपर ग्लव्स यूज करते हैं, क्योंकि हमारे जो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी है, EIA जिसे हम लोग बोलते हैं, इसके अंडर में ये सारे नॉर्म्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, और इसके रिगार्डिंग वो लोग इंस्पेक्शन भी करते हैं, कभी कभी सरप्राइज विजिट भी करते हैं, ऑडिट भी करते हैं। एंड इस अदर अगर हम लोग ऑडिट में ये सब मेंटेन नहीं करते तो हमारा लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है। तो दोस्तों हमारे पास काफ़ी इंक्वायरी आता है कई लोगों से कि सर मेरे पास IEC कोड है और GST है, मैं इससे एक्सपोर्ट कर पाऊंगा क्या फिश? तो दोस्तों मैं कह दूं, IEC कोड होना काफ़ी नहीं है,
इसके साथ भी आपको काफ़ी सारे लाइसेंसेस और डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। अगर आपको एक मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर बनना है तो आपको उसके लिए एक एम्पेडा के अप्रूव्ड एक प्रोसेसिंग प्लांट चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा फ्रेश एंड चिल्ड का प्रोसेसिंग प्लांट है जिसमें हम लोग पैकेजिंग करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को भी चाहिए होगा, और फिश एक्सपोर्ट करना तो काफ़ी ईजी है, बट इसके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंटेशन है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो यही हम लोग अपने वर्कशॉप में बताते हैं, और बहुत जल्दी हमें प्लान कर रहा हूँ कि मैं अगला वर्कशॉप जब मैं करूँगा तब मैं डायरेक्टली कैसे एक्सपोर्ट होता है वो मेरा प्लांट में लेके आके आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग अपने प्लांट में पैकेजिंग करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मटेरियल हम लोग वो प्रोक्योरमेंट करते हैं। प्रोक्योरमेंट का पार्ट तो आप लोगों ने देखा है, ये फर्स्ट टाइम मैं आपको अपना प्लांट का अंदर का पार्ट दिखा रहा हूँ, जो कि मेरे ख्याल से कोई एक्सपोर्टर नहीं दिखाएगा आपको। तो मैं यही चाहता हूँ कि सबको जो है जानकारी प्रॉपर मिले और सबको अपना जो नॉलेज है वो बढ़ाने का चांस मिले। तो दोस्तों, पैकिंग का वीडियो तो आपने देखा, अब चलिए दिखाते हैं बॉक्स को लेबलिंग कैसे करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो बॉक्स लाइनअप है, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉम्फ्रेट बिग, 18 केजी मटेरियल है और ये बॉक्स नंबर 6 है। चलिए दोस्तों, अभी अगला बॉक्स मैं आपको दिखाता हूँ अगला बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। अभी देखिए, इसमें लिखा है पॉम्फ्रेट बिग, टोटल 15 केजी वेट है, बॉक्स नंबर 7। तो दोस्तों, ऐसे करके ही हम लोग बायर के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करके हम लोग इसको बनाते हैं ताकि बायर को भी पता चले बॉक्स में वेट कितना है और उसमें कौन सा मटेरियल है। जैसे आप देख सकते हो पॉम्फ्रेट स्मॉल PS, पॉम्फ्रेट बिग, और इसमें टोटल वेट है 13.5 केजी और ये बॉक्स नंबर 9 है। तो दोस्तों, ऐसे सारे बॉक्सेस लाइनअप रहते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं दुबई में, जहाँ पे हमारा मार्केट सेलिंग मार्केट है, और ये दुबई का वाटर फ्रंट मार्केट है, काफ़ी फेमस, काफ़ी बड़ा मार्केट है। और चलिए, मैं आपको अभी मार्केट का अंदर में लेके जाता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि मार्केट कैसा है। तो दोस्तों, ये दुबई का मोस्ट पॉपुलर मार्केट में से एक है, और इसका जो क्लीनलीनेस है वो एयरपोर्ट जितना रहता है। फिलहाल देखिए अंदर में जो सीन्स है, यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड के ट्रेडर्स रहते हैं, चाहे वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, श्रीलंका, अदर यूरोपियन नेशन, चाइना से, जापान से, साउथ एशियन कंट्री से, काफ़ी वर्ल्ड के तरह तरह पार्ट से यहाँ पे मतलब सेलर और बायर रहते हैं। और ये जो है ये रिटेल काउंटर है दोस्तों, ये रिटेल काउंटर है जहाँ पे लोग रिटेल में मछली खरीदते हैं, जैसे हम आप जैसे लोग वहाँ पे जाके कम क्वांटिटी में, 1-2 केजी क्वांटिटी में जाके हम लोग ये फ़िश खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कौन कौन सा फ़िश यहाँ पे। देखिए, जैसे यहाँ पे पॉम्फ्रेट्स है, यही पॉम्फ्रेट्स हमारा सप्लाई हुआ था, ब्लैक पॉम्फ्रेट्स जो कि हम लोग दिखे थे मॉर्निंग में, वो भी यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये रिटेल सेक्शन है, ऑक्शन सेंटर जो होता है वो डिफरेंट, होलसेल सेक्शन अलग होता है, और ये जो है वो रिटेल सेक्शन है। जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर किंग फिश है, यहाँ पे फनामी प्रॉन्स है, ट्रेवली फिश है, और ऊपर देखिए वहाँ पे पिंक पर्च है, रिबन फिश है। तो दोस्तों, ये जो फिशेस है ये लोकल फिश भी होते हैं यहाँ का दुबई का, और बाकी के फिश भी होते हैं। तो दोस्तों, अभी ये हमारा बॉक्स ओपनिंग का वीडियो चेक कीजिए, जो हमारा बॉक्स ओपनिंग हुआ। चलिए देखते मटेरियल का कंडीशन अभी कैसा है। तो गाइस, देख सकते हो यहाँ पे मेट, और ये बायर का फीडबैक आप खुद सुन लीजिए, बायर का स्टेटमेंट क्या है। ओके राय भाई, ये वाला 300-400 देखो, ये देखो आज का जो है। तो गाइस, आई थिंक दैट यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस, आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिला। एंड दोस्तों, जैसे मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, कोई भी आइटम आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका परचेज स्ट्रांग होना चाहिए, आपका क्वालिटी बेस्ट होना चाहिए, और आपका बायर जो है उसका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर होना चाहिए। दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर, हमें एडवांस पेमेंट नहीं मिलते। भैया, हमें एडवांस पेमेंट कैसे मिलेगा, हमें एडवांस पेमेंट कोई नहीं देता है। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा गलतफहमी है। हाँ, आपको एडवांस पेमेंट रेगुलरली नहीं मिलेगा, 100 में से आपको 2 लोग एडवांस पेमेंट करेगा, लेकिन इतना आप ध्यान रख लो, अगर आपका सर्विस ठीक है तब आपको कोई नहीं रोक सकता इस बिजनेस में आगे बढ़ने से, चाहे आप कोई भी आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हो।
नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कैपिटल। कई सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि सर कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। तो गाइस लेट मी टेल यू दिस, आप यकीन नहीं करोगे, अगर आपको काम करना है आप जीरो इन्वेस्टमेंट में भी ये शुरू कर सकते हो। ये दोस्तों लास्ट टाइम जो मैंने सेमिनार किया था मेरा, जो मेरा ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें मैंने बताया था कि कैसे आप लोग जीरो इन्वेस्टमेंट में भी आप एक्सपोर्टर बन सकते हो। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक दैट यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज। काफ़ी सारे इंक्वायरीज मेरा आता है कि नेक्स्ट ट्रेनिंग, नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस कब है। तो दोस्तों मैं डिसाइड यही किया था कि साल में मैं दो कॉन्फ्रेंस करूंगा और अगला शायद मैं जनवरी में करूँ। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो ताकि ये और भी आगे लोगों के पास रीच हो। थैंक यू, जय हिंद, गुड बाई।